विपक्षी गठबंधन INDIA लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए और जिसके बाद जो नतीजे आए हैं उसके बाद इंडिया गठबंधन की ये पहली बैठक है। हालांकि ये बैठक जो है बहुत पहले होनी थी, लेकिन शायद कुछ वजह रही, मनमुटाव रहा, जिसकी वजह से बैठक अब होनी जा रही है। बैठक के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से लेकर राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव से लेकर शिवसेना UBT प्रमुख उद्धव ठाकरे तक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंच चुके हैं। इंडिया गठबंधन की ये कुल मिलाकर चौथी बैठक है। आपको बता दें कि पहली बैठक जो है वो राजधानी पटना में हुई थी और इस बैठक में 2024 का लोकसभा चुनाव साथ लड़ने की सहमति बनी थी। नीतीश कुमार की मेजबानी में हुई पटना मीटिंग के बाद बेंगलुरु में दूसरी मीटिंग हुई। कांग्रेस की मेजबानी में हुई इस बैठक में गठबंधन के नाम का ऐलान कर दिया गया था। तीसरी बैठक मुंबई में हुई जिसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हुआ था। चौथी बैठक आज होने जा रही है, अब से कुछ ही देर बाद। लोकसभा चुनाव में अब महज कुछ ही महीने बचे हैं, ऐसे में इंडिया गठबंधन जो है वो पूरी तरीके से सशक्त होकर आगे बढ़ने की कवायद कर रहा है। लेकिन इस बैठक में आखिर क्या होगा ये बहुत महत्वपूर्ण है। गठबंधन की ओर से आधिकारिक तौर पर एजेंडे की जानकारी तो सामने नहीं आई है, लेकिन 5 राज्यों के चुनाव में BJP की 3-2 जीत के बाद होने जा रही बैठक कई मायनों में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दरअसल गठबंधन के चेहरे से लेकर सीट शेयरिंग के फॉर्मूले और कांग्रेस के रोल तक इंडिया गठबंधन के कई नेताओं की बैठक में कई सवाल सुलझाने की चुनौती होगी। तो चलिए उन सवालों पर नजर डालते हैं जिसमें जवाब तलाशने की कोशिश आज इंडिया गठबंधन कर सकता है। चेहरा कौन होगा? इंडिया गठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती चेहरा चुनने की है। नीतीश कुमार से लेकर ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, प्रधानमंत्री पद के लिए अब तक कई नेताओं के नाम दावेदार के रूप में सामने आ चुके हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को अपना PM फेस बताते हैं। हालांकि ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले ये कहा कि प्रधानमंत्री कौन होगा ये चुनाव के बाद तय किया जाएगा, लेकिन बैठक से पहले JDU ने अपने नेता को PM उम्मीदवार घोषित करने की मांग की है। इस बहस को और हवा दे दी। नीतीश कुमार का रोल क्यों इतना महत्वपूर्ण हो जाता है? देखिए, अलग अलग पृष्ठभूमि के विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना से दिल्ली और कोलकाता से चेन्नई तक एक कर दिया था और पहली बैठक की मेजबानी भी इन्होंने की थी। तो पहला पत्थर रखने वाले नीतीश कुमार हुए। इस वजह से नीतीश को गठबंधन का संयोजक बनाने से लेकर PM कैंडिडेट घोषित करने तक की मांग उठ रही है। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन के नेताओं को इस सवाल का जवाब भी तलाशना होगा कि नीतीश का रोल इस गठबंधन में आखिर क्या होगा, नेतृत्व कौन करेगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा। बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। पहली बैठक में जहां बिहार की महागठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रही JDU आगे नजर आई, तो वहीं बेंगलुरु में दूसरी बैठक में कांग्रेस ड्राइविंग सीट पर नजर आई। गठबंधन किस दल या नेता के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा, यह सामूहिक नेतृत्व के फॉर्मूले पर देखने वाली बात होगी। कांग्रेस की भूमिका क्या हो सकती है और ये क्यों महत्वपूर्ण है? कर्नाटक चुनाव में जीत ने गठबंधन लीड करने के लिए कांग्रेस की दावेदारी को मजबूत कर दिया था, लेकिन अब कुछ महीने से तस्वीर बदल चुकी है। कांग्रेस को तेलंगाना छोड़ दें तो 5 राज्यों में से 4 राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में मात मिली है। ये तीनों ही राज्य हिंदी पट्टी के हैं और इसमें से 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। चुनाव परिणाम में कांग्रेस की बार्गेन पावर कम हुई। अब ऐसे में देखना ये होगा कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की भूमिका क्या हो सकती है। सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ा सवाल सीट शेयरिंग का है। सपा हो गई, JDU हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, NCP, TMC, कई ऐसे दल हैं जो एक राज्य की सीमा से बाहर निकल अलग अलग राज्यों में भी उम्मीदवार उतारते हैं। TMC त्रिपुरा समेत पूर्वोत्तर के राज्यों में सक्रिय रही है, तो राज्यों में JDU के भी विधायक रहे हैं। NCP का जनाधार भी झारखंड के साथ ही पूर्वोत्तर और दक्षिण के राज्यों में भी रहा है। सपा भी मध्य प्रदेश में मौजूदगी दर्ज कराती रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी की गुजरात को लेकर महत्वाकांक्षा भी किसी से भी नहीं है। दिल्ली और पंजाब की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी अधिक सीटें चाहेगी। ममता बनर्जी जो वहां मजबूत है वो वहां लड़ने के फॉर्मूले की बात कर रही है, लेकिन क्या इस फॉर्मूले पर कांग्रेस और अन्य दूसरी पार्टियां सहमत होगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। एक सीट पर उम्मीदवार कैसे उतार सकते हैं? विपक्षी एकजुटता की कवायद की शुरुआत से ही नीतीश कुमार BJP और NDA को हराने के लिए एक सीट पर एक उम्मीदवार के फॉर्मूले की बात करते रहे हैं। ये संभव कैसे होगा, ये महत्वपूर्ण है। साथ में प्रचार की रणनीति,
देखिए इंडिया गठबंधन के चुनाव प्रचार के लिए साझा रणनीति क्या होगी, ये कैसे संभव होगा, ये भी इस बैठक का एक महत्वपूर्ण बिंदु हो सकता है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि मुंबई में तीसरी बैठक में साझा रैलियों पर सहमति बनी थी। कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक के बाद अक्टूबर के पहले हफ्ते में चुनावी राज्य मध्य प्रदेश के भोपाल में पहली रैली के आयोजन का ऐलान भी हो गया था, लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष कमलनाथ ने रैली रद्द होने का ऐलान कर दिया था, इसीलिए यह फैसला भी महत्वपूर्ण है। बयानबाजियों को कैसे रोका जाए, इंडिया अलायंस के घटक दल अपने नेताओं की बयानबाजी कैसे रोकी, ये भी बड़ा सवाल है। डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन के सनातन वाले बयान को आधार बनाकर बीजेपी ने इंडिया गठबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीजेपी हर चुनावी राज्य में उदयनिधि के बयान को आधार बनाकर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों को सनातन विरोधी बताती रही, इससे भी कांग्रेस को चुनावी राज्यों में नुकसान उठाना पड़ा है। आपसी तल्खियां कैसे दूर हो सकती है, बैठक के बाद लालू यादव ने एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से बचने की सलाह दी थी। इसके बाद अधीर रंजन चौधरी जिस तरह ममता बनर्जी और टीएमसी के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं, जिस तरह से मध्य प्रदेश चुनाव के दौरान अखिलेश यादव और कांग्रेस नेताओं के बीच तल्खी देखी गई है, उसे देखते हुए गठबंधन के घटक दलों के बीच की तल्खी दूर करना बड़ी चुनौती हो सकती है और इस गठबंधन में इसी तरह के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर फोकस हो सकता है। अब देखना यह है कि आज की बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है।